के यहाँ बैठेंगे। हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे, चाहे हमें भूख हड़ताल हम कल से शुरू कर देंगे। हमारे साथ में जो समय था वो नियम के अनुसार जो आपको ऑर्डर दिया गया था उसमें तो समाप्त हो गया है, तो अब आप किस मुद्दे पे लड़ेंगे? हम सिर्फ इस मुद्दे पे लड़ेंगे कि मुख्यमंत्री ने हमको बोला था, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का कहना था कि आप हमारे नाक हो, कान हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम हमारे लिए सोचो, हम तुम्हारे लिए सोचेंगे। आज कहाँ गई वो सोच? हमको इस्तेमाल करके फेंक दिया। यही सोच थी उनकी, यही चाहते हैं। युवाओं के साथ बोलते हैं बेटा अपना भविष्य बढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटी पढ़ गई जिनका इस्तेमाल करके फेंक दिया आपने। कौन पढ़ गया यहाँ पर? एक तरफ बच्चों ने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के पूरा ध्यान आपके चुनाव पर दिया कि आप जीतेंगे। आपने बोला है, मामा जी ने आश्वासन दिया था कि मैं सोचूंगा तुम्हारे लिए, कहाँ गए वो मामा जी? कहाँ गए? अब मामा जी को सुनाई नहीं दे रहा है, वोट मांगने के लिए हम सब याद आए। आज हमको बोला जा रहा है अंदर मत बैठो, बाहर मत बैठो, डंडे पड़वा देंगे। आपने हमसे काम लिया था, हमको वोट मांगने के लिए बोला था, हमने तो डंडे नहीं मारे आप में कि क्यों आ रहे हो वोट मांगने? आज हमें डंडे पाने जा रहे हैं क्योंकि हमने वोट डाल दिया, गलती कर दी हमने भाजपा सरकार बना के। अगर हम सरकार बना सकते हैं तो अगले चुनाव में चुना सकते हैं। बहुत सही। जिंदाबाद। नाम बताइए। जिंदाबाद। प्रेरणा चतुर्वेदी।